हाँ जड़ी खबर आई आ सुंदर श्याम अरोड़ा जी सबका मंत्री हुशियारपुर तो रहे जो कांग्रेस के सरकार के दौरान उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी 50 लाख रुपए रिश्वत देने दे इल्जाम च 50 लाख रुपए समेत फड़िया कल। सो ये बारे कोई भी कमेंट करना हाले जल्दबाजी होगी पर जदों ये मंत्री सके उदों जरूर इन्होंने इल्जामबाजी लगी सी भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर वालों लगी सी आम आदमी पार्टी के लीडर वालों भी लगी सी कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से काफ़ी घपले किए हैं। ये गिरफ्तारी जो हुई है इनके किए कर्मों पर हुई है। इन्होंने यथा संपत्ति पंजाब के लोगों की लूटी, राज्य के नाम पे लूटी, राज और सेवा के नाम पे लूटी। और आज अगर ये अगर इन्होंने काला धन ना बनाया होता तो कभी रिश्वत देने ना जाते। इनको पता था मेरे पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, अगर विजिलेंस ने उसकी पूरी जांच होती है तो मैं कभी भी छूट नहीं सकता, इसलिए रिश्वत देने गया। और मैं विजिलेंस के अपने ऑफिसर्स की, पंजाब सरकार के हमारे जितने विजिलेंस के ऑफिसर हैं उनकी जितनी सराहना करूँ वो कम है। मानयोग्य मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वो विजिलेंस ऑफिसर लगाए हैं जिनको को खरीद नहीं सकता। सर अगर बात की जाए तो इनकी मोहाली और चंडीगढ़ में जो जीसीटी घोटाले चले जिसके कारण इनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया था, इसके बारे में इनकी सरकार ने ही इन पर दोष लगाया था कि जो अटॉर्नी जनरल थे आरोप लगाया था कि ये करप्ट है और इनके केस खोले थे, फिर इसके बावजूद भी ये बीजेपी में शामिल हो गए इस डर से कि शायद ईडी ना ले। इसके बारे में सर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कोई दाग नहीं लग रहा कि उनका मौजूदा जो है एक जो ज्वाइन किया है बीजेपी को एक बहुत बड़ी पार्टी को छोड़कर तो इस तरीके से वो गिरफ्तार हुआ है? देखिए जी बीजेपी के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो घोटालों में संलिप्त था उसको उन्होंने क्यों आफ्टर ऑल ज्वाइन कराया? क्या ईडी ने उसको चिट्ठी नहीं निकाली थी? क्या ईडी अपनी चिट्ठियां भूल गई थी कि हमने इसको सुंदर श्याम अरोड़े को चिट्ठियां निकाली? तो कहता मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है उनकी कोई। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बीजेपी के लीडरों के आगे है, चाहे वो लोकल लीडरशिप हो या उनकी सेंट्रल लीडरशिप हो, उनके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल उन्होंने ऐसे एक रिश्वतखोर जो अथाह संपत्तियों में लिप्त मंत्री, काला धन उसके पास है, अथाह संपत्तियां, उसको उन्होंने किस लिए शामिल कराया था? तो ये उनके आगे बहुत बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है। आज बीजेपी को इसका जवाब लोगों में जाके देना चाहिए, चाहे वो लोकल बीजेपी है चाहे सेंट्रल बीजेपी है। सर अगर बात की जाए तो होशियारपुर में इनकी बेनामी संपत्ति है, बहुत सारी क्लोनी काटी है, उनके हॉस्पिटल और स्कूल चल रहे हैं, क्या आपकी सरकार उसके भी ऊपर जांच बैठाएगी? देखिए सरकार जो भी चीज़ें इनकी जो भी सरकार को लगेगा सरकार को जांच करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सरकार अपने लेवल पे जो विजिलेंस को इंक्वायरी दी गई है इनकी यथार्थ संपत्तियों के बारे में सरकार और हमारे जो विजिलेंस के मैं हमारे ADG हैं, हमारे जितने IG हैं, SSP हैं, उन्होंने बहुत बहुत ईमानदार अफसर हैं, उनको पता है एक ईमानदार सरकार है, वो बड़ी ईमानदारी से भी जांच कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि इन लोगों ने आफ्टरऑल ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की। सर जब बात की जाए चुनावों के मुद्दे पे, आपने जो चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, बहुत बड़ी जीत भी आपने हासिल किया, तो कई मुद्दे आपने उठाए थे, तो क्या ये समय नहीं आया कि उनके मुद्दों को दरअसल जागृत करने का? देखिए एक बात पक्की, जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक घोटाला, आनंद लैंप घोटाला,